हेलो एवरीवन, जैसा कि थंबनेल से पता चल गया होगा आपको कि आज हम फिल्टर चेंज करने वाले हैं अपने वाटर प्यूरीफायर का। ये मेरे पास कॉपर का प्यूरीफायर है जो कि किन्स्को कंपनी का है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें सिस्टम लगा हुआ है। तो ये वो बॉक्स है जिसमें हमारा फिल्टर लगा हुआ होता है और जो कि कनेक्टेड होता है प्यूरीफायर से। देखो कैसे कैसे इसका कनेक्शन हुआ है। नॉर्मली 3 महीने में फिल्टर को चेंज कर देना चाहिए। देखो ये कैम्पलो का मेरे पास फिल्टर मैं लेके आया हूँ और इनिशियली जो इसमें फिल्टर लगा होता है वो कंपनी का ही लगा होता है, मीन्स किन्स्को का इसमें लगा हुआ होगा और ये कैम्पलो का मुझे मिला है। तो चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं, देखते हैं फिल्टर कैसा होता है इसके अंदर का। जो आर ओ का टेक्नीशियन है वो 600 रुपये मांग रहा था क्योंकि मैं डिफेंस एरिया में रहता हूँ और इतनी दूर आने के लिए फिर वो एक्स्ट्रा चार्जेस करते हैं। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना खुद ही अपने हाथ से करके देखता हूँ। तो मैंने एक छोटी सी क्लिपिंग देखी थी यूट्यूब में और मैं अब खुद ही करने वाला हूँ। ये देखो गाइस ये फिल्टर कैसा है, बहुत ही स्मूथ है और फॉर्म टाइप का है ये। चलिए हम इसको ओपन करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको इसकी जो वायर होती है ना उसकी निकालने की एक ट्रिक होती है। अब ये देखो ये जो सर्कल टाइप का ये जो है ना इसको पुश करेंगे हम, पुश करके ही निकल जाएगा बहुत ईजिली। अदरवाइज इसको आप कितना भी खींचोगे ये नहीं निकलेगा। इसको निकालने के लिए आपको पुश करना पड़ेगा वो जो गोल सा सर्कल है वहाँ पे बॉटम पे। देखिए अब इसको हमने ऐसा पुश कर दिया ये लग जाएगा। आप इसको खींचोगे तो नहीं निकलेगा, आपको कभी भी निकालना है। तो इस राउंड सर्कल जो है इसको हम पुश करेंगे और पुश करके ये बहुत इजीली निकल सकता है। अदरवाइज इसको आपको काटना पड़ेगा और दूसरा कोई मेथड नहीं है इसको निकालने का। अब हम सेकेंड वायर को भी निकाल देते हैं इसकी, वही सेम जेंटल पुश एंड रिमूव, बहुत इजीली निकल जाता है। जेंटल पुश करना है आपको धीरे से और निकाल लेना है। एक बात बता दूं दोस्तों, ये जो बॉक्स है इसका जो ढक्कन है वो बहुत इजीली नहीं खुलता है जैसा कि वीडियो में आपको दिखा होगा, बहुत मशक्कत करनी पड़ी यार। नीचे रख के आराम से और दो लोग लगे थे, अपनी वाइफ को भी साथ में रखा था मैंने इसको, तो जैसा वीडियो में दिख रहा है इतना इजीली होगा नहीं। हाँ बस एंटी क्लॉकवाइज खोलना है ये ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में मैंने बस ऐसे दिखा दिया है निकाल के। आइए अब इसमें हम कंडीशन देखते हैं फिल्टर की। अगर देखो मेरे को तो 4 महीने हो गए थे, 5 महीने हो गए थे आई थिंक। तो इसका जो फिल्टर होगा देखो कितना डैमेज हो गया है। नेचुरली ये वाइट कलर का होता है बट काफ़ी टाइम से चेंज नहीं किया था, तो सी कितना बुरा कंडीशन हो गया है इसका। अभी मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ कि नए वाला और पुराने वाला में कितना डिफरेंस हो गया है। इसलिए फिल्टर को एटलीस्ट 3 महीने में एक बार तो चेंज करना ही चाहिए। देखो कितना डस्ट हो गया है इसके अंदर, आप क्लियर देख पा रहे होंगे। देखिए कितना डिफरेंस हो गया है। यूज़ होता है बट ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन हो गया था इसका, 4 महीने या 5 महीने हो गए थे, इस वजह से इतना ज़्यादा डैमेज हो गया है। चलिए इसको हम हटाते हैं और नए को लगाते हैं। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, इसको पहले हम वॉश ज़रूर कर लेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी गंदगी हो जाती है। अगर ये बॉक्स वाइट कलर का होता तो शायद आप बहुत इजीली देख पाते कि हाँ ये अंदर से कितना गंदा हो गया है, बट ब्लैक है इस वजह से उसकी डस्ट का उतना पता नहीं चल रहा होगा आपको। सो गाइस जब भी आप फिल्टर रिमूव करें इस बॉक्स को बहुत अच्छे से साफ कर लेना क्योंकि अल्टीमेटली सारा वाटर जो है इसी से कनेक्ट होके आता है। तो बहुत अच्छे से वॉश कर लेना और कोशिश यही करना कि 3 महीने में एक बार इसको चेंज कर दो। तो मैंने इसको साफ कर लिया बहुत अच्छे से। गाइस ये मेरी पहली वीडियो है, अगर आपको वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और नहीं लगी हो तो भी बताना कि हाँ मैंने क्या गलती की इसमें, मैं और इसको कितना अच्छा बना सकता था, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अगर कोई बनाऊंगा तो उसमें वो चीज़ को ध्यान रखूंगा जरूर। बहुत अच्छे से इसको वॉश किया था मैंने, वॉश करके इसको और सूखे कपड़े से साफ करके, और फिर हमें फिल्टर इसमें इंसर्ट करना है। बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बहुत ही इजीली ये सब हो जाता है, बस ये है कि थोड़ी थोड़ी बारीकियों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखिए अंदर से कितना साफ दिख रहा होगा आपको, उतना साफ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ब्लैक है ना इस वजह से। चलिए अब इसमें फिल्टर लगाते हैं। फिल्टर लगाने के लिए देखो या तो आप ऐसे इंसर्ट करके ऊपर से इसमें जो ढक्कन है उसका वो लगा दो, या ढक्कन में पहले इंसर्ट करके फिर उसको नीचे से पुश कर दो, जैसे भी आपको ईजी लगे या कम्फर्ट लगे आप उस हिसाब से कर सकते हो। मैंने पहले ऐसे ट्राई किया था बट मुझे लगा कि नहीं, उसमें पहले ढक्कन में लगा के फिर मैं इजीली लगा सकता हूँ, तो फिर मैंने सेकंड वाला ऑप्शन को यूज़ किया था। ये देखिए इसमें भी आपको दिया हुआ है कि कहाँ पे आपको इंसर्ट करना है। देखिए इसमें लगा के हमें नीचे की तरफ पुश कर देना है और इसको क्लोज करना है। अब ढक्कन को बहुत अच्छे से क्लोज कर देना ताकि जो वाटर का फ्लो है वो बाहर ना आए,
ये हमारा इजीली अब क्लॉकवाइज बंद हो गया, और खोलने के लिए बस हमेशा ध्यान रखना है कि इसको हम एंटी क्लॉकवाइज खोलेंगे। तो ये हमारा ये कंप्लीट हो गया हमारा ये टास्क, और सेम वैसे ही हम पाइप को इंसर्ट करके इसको अपनी पोजीशन पे फिक्स कर देंगे, जैसा कि मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने नेल के ऊपर फिट कर दिया इसको, और सेम वही पाइप को जैसे जैसे हमने इसको रिमूव किया था वैसे ही इंसर्ट कर देना है इसमें। सो गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, और अगर आप लोगों को पसंद आई होगी तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और क्या गलती हुई है वो भी ज़रूर लिखना, ताकि इससे पता चले कि हाँ नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या हमें मिस्टेक नहीं करनी है। थैंक यू सो मच, आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना प्लीज़। ओके, हैव अ गुड डे, बाय।